साहेबगंज शहर के बनपर टोला के निवासी इन दिनों खासे परेशान हैं। उनकी परेशानी का मुख्य कारण है गंदगी और शौचालय। जी हां, साहेबगंज शहर के रेलवे माल गोदाम के नजदीक बना शौचालय टूट फूट चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय बनपर टोला के निवासी बताते हैं कि लाखों की लागत से बनी शौचालय का इस्तेमाल लोग करते ही कि इससे पहले वह टूट गया। इतना ही नहीं, उसके अगल बगल में शहर के कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में आखिर स्थानीय लोग शौचालय जाएं तो कहां जाएं? अब स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे और शौचालय को ठीक करवाए, गंदगी के अंबार को साफ किया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलें थोड़ी कम हो सके। नगर पालिका की तरफ से शौचालय बना दिया गया है, यहाँ तोड़ फोड़ भी दिया है। हम लोग को बाथरूम वाथरूम जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कूड़ा गिरा रखा है, बैठना उठना सब मुश्किल हो गया। अगल बगल में यहाँ लाखों की लागत से बाथरूम बना रखा है, फिर भी तोड़ फोड़ दिया है। बाथरूम वाथरूम जाने में बहुत दिक्कत होता है, कूड़ा का अंबार लगा पड़ा है। शौचालय चालू किया जाए। बता दें कि शहर के नगर परिषद क्षेत्र में 10 बड़े सामुदायिक शौचालय का निर्माण लगभग 2 करोड़ की लागत से करवाया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में सभी बेकार हो गए, कुछ टूट गए, कुछ के अगल बगल इतनी गंदगी है कि वहां जा पाना मुश्किलों से भरा है, जिसकी साफ सफाई का जिम्मा निगम प्रशासन का है। प्रीतम पांडे, न्यूज लाइव, साहिबगंज।